हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि उत्साही भक्तों के साथ रह के भक्ति बढ़ती है, बट कई बार लाइक इफ अ पर्सन कम्स टू द टेम्पल विथ द इंटेंशन कि मेरे को उत्साही भक्त मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम ही कम्स एंड ही डजंट गेट उत्साही भक्त, बट ही गेट इंस्टेड ऑफ दैट ही गेट्स लाइक नॉन उत्साही भक्त एंड हिज एंथुजियाज्म ड्रॉप्स। सो हाउ डू वी टेक केयर ऑफ सच थिंग्स, सच इंस्टेंसेस? तो एक्चुअली में भक्ति में हमें इमोशनल नहीं होना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। तो हमें सेंटिमेंटल लेवल पे रह के भक्ति नहीं करनी है। हमें भक्ति की गाड़ी अगर लंबी चलानी है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। सो दैट मीन्स कॉमन सेंस शुड नेवर बी लॉस्ट। तो हमें भक्ति के प्रिंसिपल्स पता है, सिद्धांत पता है। तो जो भक्त उन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं कठोरता से, उनका संग करें, और जहां पता लगता है कि हाँ इन सिद्धांतों में कमी आ रही है या गड़बड़ हो रही है तो वहां से हमें उनका संग त्यागना भी चाहिए। तो माइंड शुड एक्ट वेरी एफिशिएंटली कि नहीं ये जो संग है ये सत्संग नहीं है, ये कुसंग है। मान लीजिए कुछ भक्त निंदा कर रहे हैं भक्तों की, तो निंदा कर रहा है वो तो अपराध है, मगर आप जाके अपना कान दे देते हैं निंदा सुनने लग जाते हैं वो भी अपराध है, दोनों अपराध है। इसलिए उस जगह को छोड़िए। न शास्त्र बताते हैं जहां निंदा हो रही है तो तीन कार्य करने चाहिए या तीन में से एक कार्य करना चाहिए, या तो उस स्थान को छोड़ दीजिए जहां पे निंदा हो रही है, दूर चले जाइए। छोड़ नहीं सकते तो वहां पे जाके शास्त्रों के बेसिस पे तर्क करिए कि जो आप बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आप वैष्णव निंदा कर रहे हैं, डोंट डू दिस। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक काम करिए कि अपने प्राणों को त्याग दीजिए, क्योंकि उस प्राणों को बना के अभी शरीर में अगर वैष्णव निंदा सुनने हैं तो वो तो और घातक है, इसलिए अपने आप ही प्राणों को छोड़ दीजिए। सो वी शुड अप्लाई आवर कॉमन सेंस, नॉट टू बी मिसलेड बाय सो कॉल्ड अपरेंट डिवोटीज हु हैव रॉन्ग इंटेंशंस। हरे कृष्णा हरे हरे।